JOAIT का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद कर दिया है, जिससे तमाम भर्तियां लटक गई हैं। भर्ती प्रक्रिया बंद होने से बेरोजगार छात्रों में खासा रोष है। इसी को लेकर बेरोजगार छात्रों ने हमीरपुर से 15 मार्च को छात्र सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की थी, जो आज शिमला पहुंची है। बेरोजगार छात्र चयन आयोग हमीरपुर को बहाल करके लटकी भर्तियों को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार छात्रों ने बताया कि हमीरपुर चयन आयोग बंद करने के बाद से उनकी तमाम भर्ती लटक गई है, जिससे उनका भविष्य अधर में है। अगर चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक हो रहे थे तो उसमें संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि आयोग को बंद करना चाहिए था। सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसके विपरीत निर्णय करते हुए तमाम तरह की भर्तियों को रोक दिया है, जिससे बेरोजगार खासे हताशा में है। सरकार ने अगर भर्तियों को शीघ्र नहीं शुरू किया तो कांग्रेस हाईकमान तक इसकी शिकायतें की जाएंगी और आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। विशाल खजूरिया है और ये आज कहां से आए और कहां जा रहे हैं और क्या मांग यहां पर होगी? बेसिकली ये यात्रा जो है वो हमीरपुर से पैदल स्टार्ट हुई थी और पैदल स्टार्ट होने के बजाय थोड़ा जो हम यहां से हमारा इरादा था कि ये शिमला तक हमने जाना है, पैदल मार्च जो है वो चलना था। बेरोजगारों की ये यात्रा है जो हिमाचल प्रदेश के युवा बेरोजगार हो चुके हैं और HPSSC की बहाली की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया ने पहले गलत प्रचार किया था कि 817 के हैं, तो 817 के नहीं है हम स्टूडेंट। ये सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं HPSSC की बहाली की मांग कर रहे हैं और पुरानी भर्तियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडवर्टाइज वैकेंसी थी उसको जो है वो भी रोक दिया गया है। उसके प्रोसीजर को देखते मद्देनजर रखते हुए हम ये डिमांड रखते हैं कि एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर जो है वो शुरू होना चाहिए कि एक विद्यार्थी को पता होगी एक एग्जाम कब होगा। जैसे वो किसी टाइपिंग एग्जाम देता है या किसी भी एग्जाम को देता है, HRTC कनेक्टर को देता है, तो एग्जैक्टली उसका जो डेट एंड टाइम है वो फिक्स होना चाहिए कि आपका जो HRTC कंडक्टर का पेपर कब होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी जानकारी जो है इस तरह से मिलेंगी। कब से आप हमीरपुर से चले थे और अब मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री से यही डिमांड है कि युवा जो है वो बेरोजगार बैठा है, जो जिस संदर्भ में कहा जा रहा है कि आपकी जो एडवर्टाइज वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी बहाल की जाए और HPSSC को रीस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इतना ज्यादा समय नहीं वेट नहीं कर सकता, उसके पास इतना समय नहीं है, उनकी एज जो है वो निकलती जा रही है। और HPPSC को अगर ट्रांसफर किया गया तो एक साल लगभग लग जाए या 6 महीने से ज्यादा लग जाएंगे, इससे अच्छा है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको रीस्टेब्लिश किया जाए। एक सुनने को मिला है जो SPSC है उसमें भी एडमिशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था वहां बिना बैठे बच्चे को पास कर दिया गया, तो सरकार किस बेस पे उसके हाथ में हमारी फ्यूचर सौंप रही है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हमीरपुर बोर्ड करप्टेड है और दूसरी तरफ कह रही है कि वो सही है। आपने 3 मंथ में युवाओं का इतना बुरा हाल कर दिया है कि युवाओं सड़कों पे है। आपकी अगर सरकार होती आप युवाओं के हाथ में कलम देते, आज शिमला हमीरपुर से शिमला तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगर आज भी सरकार ने मांग नहीं मांगनी तो ये शिमला ये दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तक जाएगी और 2024 में ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आने वाली लोकसभा सभा में, क्योंकि इस सरकार ने हमारे इलेक्शन से पहले अपनी फेसबुक पोस्टों में पोस्टें की थी कि हम जो JOIT हो गए जितने भी कमीशन में भर्तियां फंसी है उनको प्रॉपर तरीके से करवाएंगे, और आज की डेट में देखो उन्होंने भर्तियां करवानी कमीशन बंद कर दिया। जो न्यू जनरेशन है जो स्टडी कर रही है उसके पास क्या है? अभी तो चलो वो न्यू है, लेकिन कल को सर 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, कल को क्या करेंगे? आप देखो हिमाचल में हम जब AG साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप अच्छे स्कूलों से पढ़ो, अच्छी कॉलेजों से पढ़ो, मतलब आप हिमाचल की शिक्षा को गलत बता रहे हैं। CM साहब आते कहते हैं हिमाचल का तो हाल श्रीलंका वाला हो जाएगा, मतलब सर हिमाचल में आपने आते ही ऐसा बयान दे दे कि हमारे को लगता है कि हम हिमाचल में आए क्यों है? मतलब ऐसे बयान शोभा देते हैं कि दिन हो गए हैं सर, इसको 60 दिन का टाइम लिया था CM साहब ने, हमीरपुर से 15 तारीख को चले थे, CM साहब ने 60 दिन के अंदर कहा था कि मैं पुराने रिजल्ट भी दूंगा और कमीशन अच्छी तरह से ओपन भी करूंगा। सर इन्होंने कमीशन बिना सोचे बंद कर दिया। जिन बंदों के साथ डीवियां चली हैं वो कहाँ जाएंगे? जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनकी ज्वाइनिंग कौन देगा? जिनके पेंडिंग रिजल्ट आने उनका फ्यूचर का जिम्मेवार कौन है? अगर आपने व्यवस्था परिवर्तन करनी थी आप अच्छे तरीके से करते, आप चेयरमैन को सस्पेंड करते, जो कमीशन में करप्टेड लोग थे उनको सस्पेंड करते, एक अच्छे बंदे को बैठाते, एक IAS कैडर का एक IAS कमेटी बैठाते जिसमें चेयरमैन होते, एक नया सेक्रेटरी होते, एक विजिलेंस सेल की टीम बैठाते 2 बंदों की जिसमें सर्वेलेंस कैमरे होते, जहाँ पे सिक्रेसी ब्रांच है वहाँ की पूरी गतिविधियों की जानकारी होती, इसको बोलते सर व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन ये नहीं होता कि आप कमीशन ही बंद कर दो। क्या कांग्रेस के टाइम में 2G 3G घोटालों के आरोप लगे, इनके मंत्री करप्टेड पाए गए, क्या कांग्रेस इलेक्शन लड़ना बंद कर दिए? इलेक्शन तो नहीं लड़ना बंद किए, इलेक्शन लड़ते रहे, तो हम क्यों सर्वाइव करें, हम क्यों नहीं अपने पेपर दें?
यह सरकार से क्वेश्चन है। और सर आप मीडिया वाले भी हमसे पूछते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मीडिया वाले ने सरकार से ये नहीं पूछा कि हमीरपुर बोर्ड को बंद किया है। आपने बंद सर ऐसे नहीं होता, किसी भी इसको टेम्परेरी रखना पड़ता है। अगर कहीं गाड़ी का इंजन खराब हो जाए ना सर, तो गाड़ी भी 7 डब्बों से नहीं चलती, 2 डब्बों से चलती है, ताकि जो ट्रैवलर है उनको अच्छी तरह से। लेकिन सरकार ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। आप स्टूडेंट सारे लोग। न्यूज डेस्क एनवल लाइव।